गाइस, आज हम शेयर कर रहे हैं बहुत ही मजेदार बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ एक कप गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे और बनाने में भी बहुत ही। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। इसमें हम डालेंगे एक कप के करीब गेहूं का आटा। गेहूं का आटा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधे चम्मच के करीब अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब रिफाइन ऑयल। आप यहाँ पर कौन से भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अब हम हाथों की हेल्प से इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सभी चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से मिला लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे आधे चम्मच के करीब नमक, या आप नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब वापस से हम इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर हम इसका एकदम सॉफ्ट सा डो बनाकर रेडी करेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। तो सो गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर एकदम सॉफ्ट सा डो बनाकर रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसका सॉफ्ट सा डो बनाकर रेडी करना है। अब हम इसे कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के आलू को उबाल कर इसके ऊपर का छिलका निकाल कर लिया है। अब हम फोक की हेल्प से इसे एकदम अच्छे से मैश करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे एकदम अच्छे से मैश करना है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो इस तरह से मैंने दोनों भी आलू को एकदम अच्छे से मैश कर लिया है। साइड में मैंने गैस पर एक पैन में 1 चम्मच के करीब ऑयल गर्म होने को रख दिया था। जैसे ही हमारा ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। अब हम इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, साथ ही 1 मीडियम साइज की शिमला बारीक कटी हुई। सभी चीज़ों को हम एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लिया है। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम पर रखेंगे। तो देखिए लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारी सारी सब्जियां ट्रांसपेरेंट होने लगी है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे मैश करके रखे हुए आलू। आलू डालने के बाद हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। हरी धनिया डालने के बाद हम एक बार वापस से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे आधे चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधे चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स, साथ ही हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे सभी मसाले एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं साइड में हमारा आटा एकदम अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसे एकदम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे इस तरह से 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी 2 लुहियां बनाकर रेडी कर ली है। अब हम इसमें से 1 लुही लेंगे और इसे सूखे आटे में डीप करेंगे और इसे हम बेल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे एकदम अच्छे से बेलना है। हमें इसे एकदम रोटी की तरह बेलना है, लेकिन रोटी से थोड़ा मोटा बेलना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हम इसे अच्छे से बेलना है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छे से बेल लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 ग्लास लिया है। अब हम इसे 1 ग्लास की हेल्प से छोटी छोटी पूरियाँ बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे एकदम अच्छे से इसकी पूरियाँ बनाकर रेडी करनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छे से कट कर लिया है। अब जो साइड का आटा बचा हुआ है उसे हम निकाल लेंगे और वापस से डो में मिला लेंगे। अब हमने जो पूरी बनाकर रेडी कर ली है, अब हम इसमें से 1 पूरी लेंगे और इसमें हम 1 चम्मच के करीब आलू वाला मसाला फिल करेंगे। तो देखिए इस तरह से अब हम इसे फोल्ड करेंगे और हाथों की हेल्प से इसे इस तरह से प्रेस करते हुए दबा देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छे से प्रेस करते हुए सेट कर दिया है।
बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी के भी बनाकर रेडी करने हैं। अब हम नाइफ की हेल्प से इस तरह से हम इसे शेप दे देंगे। तो देखिए हमारा नाश्ता कितने अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है, इसी तरह से हम बाकी के भी बनाकर रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारे नाश्ते बनाकर रेडी कर लिए हैं। साइड में मैंने पहले से ही ऑयल गरम होने को रख दिया था। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा हम इसमें एक एक करके सारे स्नैक डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने एक एक करके इसमें सारे स्नैक डाल दिए हैं। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे एकदम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो देखिए थोड़ी ही देर में एक साइड से एकदम अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और इसे कलर भी कितना बेहतरीन आया है और एकदम अच्छी तरीके से फूल चुका है। इसी तरह से हम इसे दूसरे साइड भी एकदम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए उलटते पलटते इस तरह से मैंने इसे दोनों साइड से एकदम अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई होकर रेडी हो चुका है और इसे कलर भी देखिए कितना बेहतरीन आया है। इस स्टेज पर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ, अंदर से इसके अंदर ट्रफिंग कितनी अच्छी तरीके से फील हो चुकी है। सो गाइस अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और साथ ही रेसिपी क्रिएशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।